इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। पहले मैंने आपको बताया था माइक्रो कंप्यूटर्स का, अब है मिनी। मिनी कंप्यूटर्स थोड़े बड़े होते हैं और बिगर एंड पावरफुल, यानी कि बहुत बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, और काम भी जो करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है, मेमोरी इनकी ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बड़े होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी इसमें शो किया हुआ है, ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। ये भी बहुत फास्ट वर्क करते हैं और इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी कुछ मतलब इससे ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर्स से, ठीक है। दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी बड़े बड़े उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में, जैसे बिजनेस में ये यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। ये और भी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी बहुत खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मतलब जब मौसम के बारे में कहीं कोई जानकारी हमें इकट्ठा करनी होती है तब ये वहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स ऑफ और नंबर्स, या डिजिट्स जो नंबर्स होते हैं उनके द्वारा इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, कंट्रोल अदर सिस्टम, मतलब स्कोर बोर्ड्स इन क्रिकेट मैचेस वगैरह में ये मोस्टली यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। ये भी बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, और ये मोस्टली यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में या एयरक्राफ्ट्स में, इस तरह से यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये जो वर्क करते हैं बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मतलब मिला करके वर्क करते हैं, और आर ऑपरेटेड बाय बोथ काउंटिंग एंड मेजरिंग, ठीक है। तो मतलब दोनों तरह से ये ऑप्ट किए जाते हैं, काउंटिंग भी करते हैं और मेजरिंग भी करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो आता है मॉडेम, जो मॉडेम होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में वो आता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं और बच्चों को शेयर करूं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।